दोस्तों ये है आईफोन 13 और इसे मैंने 2022 में फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में परचेस किया था। वैसे एप्पल ने इसे 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन अभी भी एप्पल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे सेल करती है, साथ ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी ये अवेलेबल रहता है। तो ये फ़ोन कैसा है, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और आपको ये 2024 में ख़रीदना सही रहेगा या नहीं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही मेरा लगभग 1.5 साल का इस फ़ोन का जो यूसेज का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए हमारे साथ, और अगर इस चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें दोस्तों, तो आईफोन 13 का जो ये डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी सिंपल और क्लीन डिज़ाइन लगता है। बैक साइड में जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, और फ्रंट में सिरामिक शील्ड की प्रोटेक्शन है जो कि काफ़ी इजीली स्क्रैच हो सकता है, तो एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चारों तरफ जो है एल्युमिनियम की फ्रेमिंग दी गई है, और जो साइड्स हैं वो बिल्कुल आईफोन 4 सीरीज़ या फिर आईफोन 5 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स की तरह जो है शार्प साइड्स हैं। और जिस भी कलर का आप आईफोन 13 खरीदेंगे फ्रेम्स भी उसी कलर के देखने को मिलेंगे। चार्जिंग के लिए यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और USB 2.0 की स्पीड ही यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। डिवाइस का ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, जस्ट 174 ग्राम्स का है। साथ ही IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग भी यहाँ आपको मिल जाती है। डुअल सिम का सपोर्ट आपको मिल जाता है यहाँ पर, एक फिजिकल सिम और एक ई सिम आप लगा सकते हैं। लेकिन आईफोन 13 का एक इशू है कि ये जो साइड के एल्युमिनियम फ्रेम्स हैं वो डीकलराइज्ड होने लगते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का केस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो दोस्तों सॉलिड बिल्ड की तरह ही आपको डिस्प्ले भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED पैनल दी गई है यहाँ पर, जो कि जस्ट अबव 1080p की पैनल है। इसके अलावा डॉल्बी विजन और HDR10 का भी सपोर्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस जो है वो 1200 निट्स तक जाती है वाइल वॉचिंग HDR कंटेंट। हाई ब्राइटनेस मोड की बात करें जहाँ तक, तो 800 निट्स तक ही जो है शो करती है। नंबर्स काफ़ी लो फील हो रहे होंगे 2024 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बट विजिबिलिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इंडोर या आउटडोर। आईफोन 13 के डिस्प्ले की सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाली बात यही है कि ये एक OLED पैनल होने के बावजूद सिर्फ एक 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। हालांकि ये स्मूथ फील होता है, क्योंकि दोस्तों iOS हमेशा से ही 60Hz वाले पैनल के लिए ऑप्टिमाइज्ड रहा है, मगर आप किसी 90Hz या फिर 120Hz वाले एंड्रॉयड फ़ोन से इस फ़ोन में स्विच करिएगा तो डेफिनेटली आपको ये डिस्प्ले जो है वो स्लो फील होगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही 60Hz वाले स्क्रीन यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आईफोन 13 में एक और चीज़ की कमी है, OLED पैनल होने के बावजूद यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कमी है, तो स्टैंड बाई जैसे फीचर्स तो दोस्तों मीनिंगलेस हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक भद्दी सी नॉच है और बेजल्स भी काफ़ी नोटिसिएबल हैं, तो कंटेंट वगैरह व्यू करते वक्त ये नॉच या फिर गेमिंग वगैरह करते वक्त डेफिनेटली स्क्रीन के एक पार्टिकुलर पार्ट को ये नॉच जो है हम कह सकते हैं कि खा जाती है, तो एक फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस जो है आपको नहीं मिल पाएगा। शुरू के एक दो महीने यूज़ करने के बाद मुझे तो इसका प्रेजेंस जो है अब बिल्कुल फील ही नहीं होता है, क्योंकि आदत हो चुकी है। बाकी इन डाउनसाइड्स को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो क्वालिटी डिस्प्ले की जैसे पहले भी बताया काफ़ी अमेजिंग है, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले जो है काफ़ी शार्प भी है, 460 की ऑलमोस्ट PPI आपको देखने को मिल जाती है, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। आईफोन 13 में दोस्तों आपको एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5 नैनोमीटर की प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। ये एक हेक्साकोर प्रोसेसर है, इसमें 6 CPU के कोर्स और 5 GPU के कोर्स देखने को मिलेंगे। जो 6 CPU के कोर्स हैं उसमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 4 एनर्जी इफिशेंट कोर्स हैं। इसके अलावा 16 कोर वाला न्यूरल इंजन भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सब तो टेक्निकल लाइन की बात हुई दोस्तों, आम शब्दों में अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है आपको टॉप लेवल की यहाँ पे मिलने वाली है। डे टू डे टास्क में मतलब कि ये तो काफ़ी स्मूथ फील होता है। इसके अलावा गेमिंग के दौरान भी आप लॉन्ग सेशंस तक जो है गेमिंग कर सकते हैं। फ़ोन ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, स्लाइटली वार्म होता है, फील होता है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होता है। फ्रेम रेट्स काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं, 55-60 FPS तक रहते ही हैं इस डिवाइस में। हेवी गेम्स भी आप इस डिवाइस में जो है खेल सकते हैं, कोई इशू जो है नहीं आने वाली है। अभी तक तो मुझे दोस्तों कोई इशू नोटिस नहीं हुई है।
तो दोस्तों परफॉर्मेंस लेवल तो काफ़ी तगड़ा आपको इस फ़ोन से मिल जाएगा, और लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए दोस्तों परफॉर्मेंस का जो है सही रहना भी बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों तो करेंटली ये iOS 17.6 अपडेट पर चल रहा है, लेकिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था उस वक्त जो है iOS 17.5.1 पर ये चल रहा था, इसीलिए अभी यही आपको शो कर रहा है स्क्रीन पर। iOS 17 के जितने भी फीचर्स हैं वो तो आपको इस फ़ोन में मिलते ही हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंड बाई मोड का फीचर हो या फिर लॉक स्क्रीन पे कस्टमाइजेशन वाला फ़ीचर हो, ये सभी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये iOS 17 का जो है फाइनल अपडेट है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में दोस्तों iOS 18 का अपडेट आ जाएगा इस डिवाइस के अंदर, और जैसा कि एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड है 2-3 साल तक और OS अपडेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सिक्योरिटी अपडेट्स भी जो है काफ़ी सालों तक आते रहते हैं, क्योंकि एप्पल जो है अपने डिवाइसेस को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जो है सपोर्ट में रखती है। iPhone 13 में 4GB की LPDDR5 की रैम और 128, 256 या फिर 512GB की NVMe स्टोरेज देखने को मिलती है। इस फ़ोन का जो मेन कैमरा है दोस्तों वो 12 मेगापिक्सल का है और वो सेंसर शिफ्ट OIS के साथ आता है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है और एक 12 मेगापिक्सल की वाइड सेल्फी भी दी गई है। मेन कैमरा से जो फ़ोटोज़ निकल कर आते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनमें HDR काफ़ी निखर कर आता है, कलर्स हमेशा नेचुरल साइड में रहते हैं और काफ़ी डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि मेन कैमरा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली जो है परफॉर्म करता है। मेन कैमरा ही की तरह दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी डे टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे मेन कैमरा की क्वालिटी से तो थोड़ी बहुत क्वालिटी डिक्रीज़ होती है और एजेस पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी फील होता है, बट ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और बेवजह का कोई कलर शिफ्ट आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। नाइट टाइम के फ़ोटोज़ की बात करें दोस्तों, यानी कि अगर नाइट मोड की बात करें तो मेन कैमरा जो है नाइट टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और गूगल के नाइट साइट की तरह हर एक चीज़ को ब्राइट करने की यहाँ पे कोशिश नहीं की जाती है। ऑल्दो थोड़े बहुत जो है लेंस फ्लेयरिंग इश्यूज़ हैं वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी हैं और मेन कैमरा में भी हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोटोज़ में भी, बट स्टिल इनकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है। पोर्ट्रेट मोड दोस्तों सिर्फ मेन कैमरा पे ही काम करता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर है दोस्तों, ये आईफोन का जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी नेचुरल लगता है। ऑल्दो ये परफेक्ट नहीं है, एज डिटेक्शन में अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी, बट स्किन टोन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और काफ़ी प्लेजेंट लगता है देखने में। सेल्फीज़ की बात करें दोस्तों तो मुझे इस फ़ोन की सेल्फीज़ जो है वो काफ़ी पसंद है, वो काफ़ी डिटेल्ड भी होती हैं और काफ़ी नेचुरल भी लगती हैं। इवन अगर आप सेल्फी पोर्ट्रेट्स लें यानी कि पोर्ट्रेट मोड में सेल्फीज़ लें तो वो भी जो है काफ़ी नेचुरल लगता है, स्किन टोन भी काफ़ी बढ़िया लगता है, इवन नाइट टाइम में भी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। मेन कैमरा से आप 4K अप टू 60fps तक जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग तो 4K 30fps पर ही वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, और सेंसर शिफ्ट OIS होने के कारण यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको कमाल की मिल जाती है। हाँ, अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच करेंगे तो थोड़ा बहुत जैसे पहले भी कहा क्वालिटी में कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके सेल्फी कैमरा से भी आप 4K अप टू 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। iPhone 13 वो पहला iPhone है जिसके ज़रिए आप 1080p अप टू 30fps तक जो है सिनेमैटिक वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। साथ ही इस फ़ोन में आपको फोटोग्राफिक स्टाइल्स का भी फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से अलग अलग कलर टोन में आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और पोर्ट्रेट मोड में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फ़ोन के कैमरा में एक और नया फीचर है दोस्तों, जो मेरे ख्याल से सभी नए आईफोन्स में अवेलेबल है, ये कि अगर आपने कोई पोर्ट्रेट शॉट क्लिक किया हो तो बाद में जाकर आप उसे रेगुलर फ़ोटो में भी चेंज कर सकते हैं।
या फिर उसे आप एडिट कर सकते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के फोकस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर के अमाउंट को भी बदल सकते हैं। अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपको वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0 और NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स का काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, हालांकि ज़्यादा लाउड नहीं है बट साउंड सेपरेशन जो है काफ़ी अच्छा है। साथ ही इस फ़ोन में आपको 20 से ज़्यादा 5G बैंड्स भी मिल जाएंगे और कनेक्टिविटी तो डे वन से कोई इशू नहीं रही है मेरे लिए। हालांकि मैंने eSIM भी इसमें यूज़ किया है और फिजिकल सिम की तरह ही eSIM की कनेक्टिविटी भी काफ़ी कमाल की है, काफ़ी सीमलेसली वर्क करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपको सिर्फ फेस आईडी देखने को मिलती है, टच आईडी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फेस आईडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और सिक्योर्ड भी है, इवन लो लाइट सिचुएशंस में भी जो है फ़ोन को काफ़ी इजीली अनलॉक कर देती है और आपको डिवाइस की तरफ जो है ज़्यादा बेंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। इस डिवाइस में आपको अल्ट्रा वाइड बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और कॉल क्वालिटी भी जो है काफ़ी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर एक आइसोलेशन वाला फीचर मिल जाता है जिससे बैकग्राउंड नॉइजेस काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाते हैं। हैप्टिक्स की बात करें तो इस फ़ोन के जो हैप्टिक्स है वो बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल के हैं, काफ़ी अच्छा हैप्टिक फीडबैक आपको फील होगा। एट लास्ट बैटरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 3240 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। साइज़ में हालांकि ये नंबर्स काफ़ी कम है, लेकिन दिन भर का बैटरी लाइफ जो है इजीली ये डिवाइस आपको निकाल कर दे देगी। चार्जिंग की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम जो है 20 W तक ही आप वायर के थ्रू जो है चार्ज कर सकते हैं, वो भी पावर ब्रिक आपको जो है अलग से ख़रीदना होगा, बॉक्स में अवेलेबल है नहीं। इसके अलावा 15 W तक की वायरलेस और मैक्सेफ चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। मैक्सेफ एक्सेसरीज अब भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि चार्जिंग के दौरान जो है फ़ोन काफ़ी हीट भी हो जाता है और कभी कभी जो है चार्जिंग रुक भी जाती है। आईफोन 13 के प्राइस की बात करें दोस्तों, तो एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी फ़िलहाल ये प्राइसिंग चल रही है सभी वेरिएंट्स के लिए जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे इसका जो बेस मॉडल है वो 47,000 से 53,000 के अराउंड अवेलेबल रहता है और डेफिनेटली आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप हायर स्टोरेज वाला वेरियंट लेंगे तो। सो दोस्तों, आईफोन 13 एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड सा स्मार्टफोन या फिर कह सकते हैं कि आईफोन है, जिसे खरीद कर आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये फ़ोन 3 साल पुराना है, इसलिए अगर आपको 2024 की किसी सेल में ये 40,000 रुपये के आसपास मिले तभी इसको परचेस करना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पीस।